गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, हम लोग गुरु नानक देव जी को पढ़ रहे थे, जिसे लिखने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब तक हमने इनके बारे में बहुत कुछ जान लिया। इस पाठ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पैराग्राफ है। किताब में देखेंगे आप, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। अगर यदि ये एक लाइन है, हम इसको मिटाना भी नहीं चाहते और हम यदि ये चाहते हैं कि इसे छोटा भी बना दिया जाए, तो क्या करना चाहिए? इसके बगल में एक बड़ी लाइन खींच देना। अब इसका भाव क्या है, किस लिए ये प्रयुक्त हुआ, अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। संकेत हमने डाल दिया है, संदर्भ उपरोक्त वही रहेगा जो पूर्व में हमने लिखा था। व्याख्या हम चर्चा करते हैं, इस पर समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी, क्या कहा, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया, उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य से सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योत के सामने फीके पड़ गए। क्या कहा कि जिस प्रकार से कोई एक लकीर बनी हुई है और उसे मिटाना भी नहीं है, समाप्त नहीं करना, और उसे छोटा भी दिखाना है, तो क्या करना चाहिए? उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच देनी चाहिए, बड़ी लाइन खींच देनी चाहिए, यह स्वतः ही अपने आप छोटी हो जाएगी। तो इसी प्रकार समाज में जो अनेक प्रकार के धर्म का प्रचार करने वाले थे, अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताने वाले थे, वो इसी छोटी लकीर की भांति थे जो कुछ चीजों को बता करके समाज में फूट डालकर लोगों को धर्म के प्रति जोड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ा रहे थे। तो वो ऐसा करने वाले वो छोटी लकीर के समान थे। अब क्या करना था, हमें ऐसा करने वालों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना था, उनकी किसी प्रकार से बुराई नहीं करनी थी, उनकी बात ही नहीं करनी थी। तो इसके लिए गुरु नानक देव जी ने एक नया कार्य किया कि जो वो कार्य कर रहे थे उससे श्रेष्ठ कार्य करके जनता के सामने दिखा दिया। अब जनता ने जब प्रत्यक्ष रूप से देखा, तो जाहिर सी बात है कि जब हम ये कार्य कर रहे हैं लेकिन इससे अच्छा कार्य हमें मिल रहा है, तो हम इसे छोड़कर क्या करेंगे, अच्छे कार्य को करना शुरू कर देंगे। और समाज में गुरु जी ने क्या किया, अपना प्रभाव स्थापित किया। किसके बल पर? उन्होंने ये जो छोटी छोटी बातें थी इनको छेड़ा नहीं, इनकी बुराई नहीं की, बल्कि इनके सामने अच्छी बातों का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने फीके पड़ गए। तो ये बहुत से जो छोटे छोटे दीपक सभी जगह जल रहे थे, महात्मा जी का प्रकाश इतना ज्यादा इस समाज में फैला कि वो सब धीरे धीरे विलुप्त से हो गए, अर्थात उस प्रकाश के सामने उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। आगे, भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति से ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। जब एक बार यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती। उन्होंने कहा, भगवान जब किसी पर दया दृष्टि दिखाते हैं तो अपनी कोई अंश, अपना कोई अंश ऐसे ही महापुरुष किसी महान व्यक्ति के व्यक्ति में अंश के रूप में उतार देते हैं। और फिर क्या होता है, यह ईश्वर का अंश जब किसी मनुष्य के शरीर में पड़ जाता है, उसके अंदर प्रवाहित तो हो जाता है, तो फिर वो चुपचाप नहीं बैठता, समाज में एक नई क्रांति ला देता है। यह क्रियात्मक होती है, नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को वह प्रभावित करती है, ऊपर करती है। और क्या है, यह ईश्वरीय शक्ति होती है, ये नेक कार्य करती है और हमेशा जो गिरे हुए व्यक्ति हैं उनको उठाने का कार्य करती है।
इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उनका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर जब किसी अंश के रूप में एक तरफ अवतार लेता है तो वहीं जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों का उद्धार भी हो जाता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रयान हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ, आज भी यह क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। उन्होंने कहा, क्या बताया, कि अवतार और उद्धार की लीला को भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। और उन्होंने बताया कि आज से 500 वर्ष पहले हरि ने, भगवान ने क्या किया था, इस अनुग्रह को स्वीकार किया था और गुरु नानक देव के रूप में हमारे सामने आ गए थे। और तब आकर के इन्होंने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। अब जब हम इस समय ऐसे परिवेश में आ गए, ऐसे समाज में जी रहे हैं कि आज हमें उस गुरु की याद आ रही है कि काश वो गुरु आ जाएं और आज हमारा जो ये भटकता हुआ समाज है, इस भटकते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करें। इसीलिए लेखक ने कहा कि आज हमें उस गुरु की बहुत ही आवश्यकता है। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणत निवेदन कर रही है। लेखक कहता है, हे गुरु, महागुरु, नई आशा, उमंग और उल्लास के साथ आज एक आशा लिए हुए, एक उम्मीद लिए हुए ये जो जनता है, जो समाज के लोग हैं, ये आपसे एक विनती कर रहे हैं। उत्साह उल्लास के साथ एक आशा लिए हुए आपसे विनती कर रहे हैं, आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीत की स्निग्ध धारा से अप्लावित करो। क्या करो? जो हमने आशा पाल रखी है, आशा मन में बना रखी है, उस आशा को सफल बनाओ। हमारे जो मैत्री भाव हैं उन मैत्री भाव को फिर से जागृत करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। क्या कहा लेखक समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए? कहता है कि हम भटक गए हैं, हम रास्ते से भटक गए हैं, जंजालों में जो कार्य हैं उन कार्यों के जंजालों में हम फंस गए हैं, किंतु कार्य करने की जो क्षमता है, किए गए कार्य के उपकार को मानने की जो हमारे अंदर क्षमता है, वह आज भी व्याप्त है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोमय वाणी को भूले नहीं हैं, कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। उन्होंने कहा कि आपने जो अमृत रूपी वाणी से इस भारत देश का कल्याण किया है, उस अमृत रूपी वाणी को हम भूले नहीं हैं। तो हे गुरु, हे गुरुवर, हमारे इस भारत देश के प्रणाम को स्वीकार करो, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तो बच्चों, इसकी जो भी पैराग्राफ आप लोगों को करना है उसकी फोटो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आज से आपका यह पाठ संपन्न हुआ। अगली कक्षा में एक नया पाठ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।